मुझे एक बात का आदर्श हो बेटा, तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम्हारा घर सलामत है। किसी की ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर, इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा खुले रहे। सरवत मिल लो बेटी से। परेशान मत हो, अपने ही घर जा रही है। मिल लो तुम भी मिलो। जाओ गाइस, सारा तुम साथ जाओ। लो भैया, हो गई तुम्हारी शादी, कर ली तुम्हारी जिद पूरी। अब मुझे छुट्टी दो, बहुत थक गई हूं, मैं आराम करने जा रही हूं। वैसे दिल तुमने अच्छा नहीं किया, मां का दिल दुखाया है ना, कभी खुश नहीं रहोगे। चलो इनवाइट करना पड़ेगा क्या? बेटा इनकी बातों का बुरा ना मना, थोड़ा सा वक्त दो, ठीक हो जाए। अल्लाह तुम दोनों को आबाद रखे। तो फिक्र ना करो, सब ठीक कर दूंगा। बात करके आता हूं। Thank you.
मामू, मामा ये क्या कर रही? मामा, वो कौन सी चोर चोर है? मुझे क्या कर रही है मामा? दीन तुम्हें क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? जानी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो अपने लिए नूडल्स बनाने गई थी। तुमने कोई ख्वाब देख लिया क्या? बहुत बुरा ख्वाब था जैनी, रिपोर्ट डन। ख्वाब से कौन डरता है? मुझे लग रहा है ना डर तुम मुझ पर आज तक कुर्सी पढ़ कर भूख मार दो। ठीक है पढ़ देती हूँ, लेकिन पहले मैं खा लू उसके बाद। अरे क्या 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 हुआ? क्या? रुको रुको रुको, पानी पीना है तुमने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत थी, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया बस। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप प्लीज चले जाए। क्यों नहीं चाहिए? तुम पानी पीना जा रही हो, तुम्हें प्यास लगी, मैं डालता हूँ। मुझे नहीं पीना पानी, जाए जाओ। एक मिनट, ये लो। मुझे नहीं पीना पानी, आप प्लीज जाए यहाँ से। नहीं पीना? नहीं नहीं, आप जाए यहाँ से प्लीज। चलो मैं पी लेता हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, किसी भी किस्म की मदद की जरूरत होगा तो तुम मुझे यहीं पे हो मुझे। प्लीज आप जाएं। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ वो पानी मैं देता। बस और बस थैंक यू। अरे ये बताओ मेहंदी कैसी लग रही है? मैं सोसो है। रहने दो। अच्छा दिखाओ तो सही। क्यों? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन इसमें तो मेरा नाम कहीं नहीं लिखा। तुमने मेरा नाम नहीं लिखवाया? मेहंदी से लिखे नाम मिट जाते हैं, क्योंकि इनका रंग कभी ना कभी तो जाना होता है ना। तो फिर कहां लिखवाया मेरा नाम? अपने दिल पर? कहीं भी नहीं। कहां रह गया साद, इतनी देर हो। आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए, बड़ा इंतजार था भाई मुझे तुम्हारा। मेरा इंतजार क्यों? तोहफा लाई है तुम्हारे लिए। खास तोहफा लाई हूँ, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। देना जरा तोहफा। ये देख। ऐसा लगा?
बहुत शौक है ना तुम्हें नौटंकी करने का, तो अब जरा सबके सामने मेरी नकलें उतार के दिखा दो। बताओ ना सबको आप कि मामी ऐसे माफिया मांग रही थी, ऐसे माफिया मांग रही थी। नहीं जी नहीं जा रहा। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, तो ऐसा करो मैं दो चार ठुमके लगा के दिखा दूं। फरीदा भाभी क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी इतनी प्यारी सहेली की शादी है, इतना तो बनता ही है ना भाई। आंटी अब आप बदतमीजी कर रही है। अरे क्या बदतमीजी कर रही हूँ, पूछ लो अपने भाई से। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तो पट्टा पहन के सबके सामने मेरी नकलें उतार उतार के दिखा रहा था कि मामी ऐसे माफिया मांगती है, ऐसे माफिया मांगती है, तो वही तो करने को कह रही हूँ। कौन सा कोई नई बात कह दी मैंने? मामा ने वो सिर्फ एक मजाक था, आप उस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? अरे तो मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ बेटा। तुम लोगों को मेरा मजाक बुरा लगा क्या? आय हाय अगर बुरा लगा तो कोई बात नहीं भाई, मैं माफी मांग लेती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ। माफ कर दो तुम लोग भाई, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, दामाद जी की शान में गुस्ताखी हो गई।